ये देखिए क्या है, और देखिए चलिए हमारे साथ शशिकांता की रसोई में और देखिए उन्होंने इसका क्या रेसिपी बनाई हुई है जो सबको बहुत ही पसंद आई है। चलिए आइए चलते हैं शशिकांता की रसोई में। नमस्कार, शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये है कीवी जो हमारी हेल्थ के लिए, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भी होता है और ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जब कम हो जाते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, और हड्डियों भी आपकी कमज़ोर हो तो भी आप इसका यूज़ करो, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका चटनी बनाती हूँ, पुदीने धनिया की चटनी तो आपने खा लिया, आज कीवी की चटनी भी खा कर देखिए। तो ऐसे मैं कीवी लेके आई थी तो इसको छील दिया है, छील के और देखिए मैंने इस तरह से इसके पीसेस काट लिए हैं। पीस आप जैसे भी काटें क्योंकि मुझे ग्राइंड करना है। इसके अंदर मैंने ये पुदीने की पत्ती और हरी मिर्च और धनिया नहीं इस्तेमाल किया, आप धनिया चाहें धनिया भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इधर मैंने क्या लिया है, इधर मैंने ये भुना जीरा लिया है और ये काला नमक लिया है, काली मिर्च ली है और प्लेन नमक लिया है, और ये आपका जो है प्लेन नमक है, ये एक चम्मच चीनी है कि इसके टेस्ट को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा चीनी पाउडर उसमें डाल दूँगी। अब क्या करूँगी कि इसके लिए देखिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया हुआ है, ये जार है मेरे पास, ये देखिए मिक्सी का ले लीजिए, और इसमें ये जो हमने कीवी को के पीसेस काटे हुए हैं ये सारे इसमें करके डाल देती हूँ, ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी और बहुत फ़ायदेमंद होती है आपकी हर बीमारी के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है कि हड्डियाँ भी अगर कमज़ोर हैं तो भी ये खाइए, खून में अगर ब्लड प्लेटलेट्स आपके कम हो गए हैं तो वो भी इससे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद मैंने ये हरी मिर्च है ये डाल दूँगी, और ये देखिए पुदीना है ये डाल दूँगी, आप चाहें तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने धनिया नहीं डाला है। और ये देखिए इधर मैंने क्या क्या लिया हुआ है, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, चीनी है, काली मिर्च है, भुना जीरा है, काला नमक है, ये मैं इसमें सब ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए डाल दिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरी कीवी की चटनी बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, ये देखिए इसको एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं प्लेट में, और इसको पूड़ी के साथ और नमक के पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी ये लगेगी। और मैंने भी फर्स्ट चांस ही बनाई, लेकिन मुझे मैंने अभी बताया लोगों ने कि बहुत ही टेस्टी ये बनती है, तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, इसलिए मैंने भी इसको ट्राई किया। तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा, और बहुत ही टेस्टी बनी है ये, और किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए चटनी बनके तैयार हो गई है, और देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, और ऐसे भी आप कीवी खा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, आयरन और फॉलिक एसिड से भरी हुई होती है ये, और आपके ब्लड प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कम हो गए तो भी इसको लोग मंगा कर ही खाते हैं। तो आप जो है इसको भी चटनी बना के रखेंगे तो बच्चे बड़े छोटे सब खा लेते हैं, ऐसे थोड़ी टेस्ट में खट्टी होती है इसलिए सब लोग हर कोई पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चीनी डाल दिया इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया। तो सब्सक्राइब करिएगा, ये देखिए पसंद आएगा, तो आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, और एक बार बना के कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप बताइएगा फीडबैक में ये आपको कैसी लगी, और बहुत इमीडिएट बन जाती है, इसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है, और आप इसको सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं, एक हफ्ते तक कोई ख़राब नहीं होगी, और इस पसंद आएगा तो कमेंट भी दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।